दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवल संबंधित न्यूज़ और टिप्स दूंगा जो आपके बहुत काम आएगा। तो आप शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप सिंगापुर फ्री में घूमना चाहते हो? ऑब्वियसली कौन नहीं घूमना चाहेगा, वो भी सिंगापुर जैसा इतना महंगा देश। अब मैं जो आपको टिप दूंगा उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप उस टिप को फॉलो करोगे ना तो आप एक्चुअली सिंगापुर फ्री में घूम पाओगे। शंघाई एयरपोर्ट ग्रुप, जो सिंगापुर एयरलाइंस और सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलके ये जूल टूर ऑफरिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे एक्चुअली आपका फ्री टूर हो जाएगा सिंगापुर का, वो भी इट विल बी अ गाइडेड टूर। एक्चुअली तीन तरह का टूर का ऑप्शन है अपने पास। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सबसे लेटेस्ट ऑफरिंग का, जो है जूल आइटनरी टूर। दोस्तों, इस टूर में रेन वॉटेक्स, फॉरेस्ट वैली और कैनोपी पार्क, ये तीनों आपको बकायदा एक्सपीरियंस गाइड के साथ घुमाया जाएगा। लोकल फूड भी आप टेस्ट करोगे, तो काफ़ी कुछ आपको करने को मिलेगा। और ये बेसिकली सुबह का टाइमिंग होगा, तो 10:30 से 1 बजे तक चलेगा। यहाँ मैं एक टिप देना चाहूँगा कि आप शाम का अगर शो जाते हो ना, जो 6 से 8:30 बजे तक है, तो उसमें आपको लाइट एंड साउंड शो भी देखने को मिल जाता है, तो वो फ़ायदा है, तो वो भी ध्यान में रख सकते हो। अगर आपके पास चॉइस हो सुबह शाम का, तो शाम का शो जाइएगा। देखिए, ये जोल टू का जो जो रेन वॉटेक्स है, उसमें एक्चुअली उसका बहुत बड़ा खास बात है, वो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है, 150 फीट, और इतना बढ़िया ढंग से बनाया हुआ है, मतलब इट्स एक्चुअली आर्किटेक्चुरल वंडर। इतना अच्छा लगेगा आपको देख के। और उसके अलावा ना, एक्चुअली आपको वहाँ का कॉफ़ी म्यूजियम भी ले जाया जाएगा, जो आपको कॉफ़ी टेस्ट कराया जाएगा कई प्रकार के, तो वो भी एक्स्ट्रा एडेड रेस्टोर में। और इनफैक्ट इनमें और भी कुछ एक दो चीज स्मॉल क्वेश्चन है, जिसके बारे में आप आराम से आपको इन्फॉर्मेशन मिला जाएगा, आप घूम सकते हो। उसके अलावा और दो टूर्स है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अपने सबसे पहले हेरिटेज टूर का बात करते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले ले जाया जाएगा सिटी हॉल, वो बहुत ही प्यारा इलाका में सिचुएटेड है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा जो सिंगापुर का जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ इतनी ब्यूटीफुल टॉल बिल्डिंग्स है, बहुत ही प्यार आर्किटेक्चर है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के, एकदम मॉडर्न बिल्डिंग्स। वहाँ सिंगापुर का कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ अपने लाओपा सा भी वहाँ भी जाओगे, जहाँ बेसिकली हॉकर मार्केट रहेगा, तो आपको कई सिंगापुर डिशेस टेस्ट करने को मिलेगा, और ऊपर रूफटॉप बार भी है, तो उसका भी आप एंजॉयमेंट ले सकते हैं। उसके बाद अपने चलेंगे मर्लिन स्टैच्यू, और वहाँ क्या होगा ना, जो आइकॉनिक सिंबल है सिंगापुर का मर्लिन, वहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ से जो बेसिकली लाइन का माउथ से जो पानी गिरता है, ब्यूटीफुल साइट है, और वहाँ से जो नज़ारा आता है पूरा सिंगापुर का, बहुत प्यारा, सामने रिवर फ्लो कर रहा है और पीछे एकदम टॉल बिल्डिंग्स, बहुत ही बढ़िया लगता है, तो वहाँ जाओगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द चाइना टाउन, है ना। चाइना टाउन इतना फेमस है सिंगापुर का। वहाँ सबसे खास बात है, एक तो वहाँ बहुत सस्ता शॉपिंग आपको करने को मिलेगा, बेसिक एक्चुअली आप चाइना टाउन में उतरोगे, रास्ते में वॉक करेंगे, शॉपिंग करोगे, खाओ पियोगे, और वहाँ का जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देखने को मिलेगा, वो एक्चुअली देखने लायक है, एकदम लगेगा कि जैसे आप चाइना आ गए हो। एक्चुअली ब्यूटीफुल जगह है वो, ब्यूटीफुल इलाका है घूमने के लिए, तो वहाँ कुछ देर घूमेंगे। उसके बाद जाएंगे अपने इंडियन लिटिल इंडिया, एक्चुअली इंडियन कॉलोनी जिसका नाम है लिटिल इंडिया सिंगापुर में, वहाँ पे इतने प्यारे बिल्डिंग्स है, इतने कलरफुल बिल्डिंग्स है, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ भी अगर उतर के अपने वॉक करेंगे, वहाँ भी खाने पीने का काफ़ी वैरायटी टेस्ट करने को मिलेगा, बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहाँ, और वो भी बहुत ही सही इलाके है, बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ चल के। उसके बाद जाएंगे अरब स्ट्रीट, बेसिकली अगेन वहाँ जो है सुल्तान मॉस्क, वो बहुत फेमस है सिंगापुर का लैंडमार्क, वो भी बहुत बढ़िया इलाका है, वहाँ भी कई मॉस्क है, बहुत प्यारे प्यारे बिल्डिंग्स बने हुए, वो भी सही जगह चलने के लिए। अगेन ये तीन मेन एरियाज अपने चलेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर बैक टू द एयरपोर्ट। तो बेसिकली 2.5 घंटे का अच्छा खासा टूर हो जाएगा, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग ऑन दी हाउस, जो आपका बेसिकली आपके साथ जो गाइड रहेगा, आपका जो गाड़ी का खर्चा है, सब कुछ ऑन दी हाउस है, एक पैसे का खर्चा नहीं आपका। तो बहुत ही सही टूर है सिंगापुर का। तो पहले अपने बात के लिए जूल टूर का, फिर अपने बात के हेरिटेज टूर का, अब तीसरा जो टूर है वो साइट सींग टूर है, बेसिकली सिंगापुर के जो मेन साइट्स है वो दिखाया जाएगा, तो अब उसके बारे में अपने बात करते हैं। ये हेरिटेज टूर पूरा दिन चलता है, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई टाइम देख के जाना पड़ेगा, आराम से कोई समय भी जाओ ना तो आपको वो टूर करने को मिल जाएगा। अब अपने सिंगापुर साइट्स टूर का बात करें, देखिए ध्यान रखिएगा ये टूर केवल शाम को ही होता है, तो अगर आप शाम में आ रहे हो ना तो तब आप ये टूर करेगा, या आपको सुबह रुके तो आपको ये टूर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस टूर में बेसिकली आप सबसे पहले जाते हो सिंगापुर फ्लायर, वो बेसिकली 1 घंटे का राइड होता है, जिसमें आपको पूरा सिंगापुर का नज़ारा मिलता है। और ये शाम को इसलिए रखते हैं क्योंकि शाम को बहुत ही प्यारा लगता है, उससे पूरा सब कुछ दिखता है, मरीना बे सैंड्स एंड जो आपके एस्पेन म्यूजियम, और ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा लगता है, मर्लिन स्टैचू सब कुछ देखने को मिलता है, तो वो करते हैं 1 घंटा।
उसके बाद वहां से चलते हैं आपका जो मरीना बे सैंड जो होटल है, जो वन ऑफ द टॉप होटल्स है सिंगापुर का, और वहां बेसिकली आप ऊपर जाते हो 57th फ्लोर में, अगेन वहां से पैनोरामिक व्यू आता है सिंगापुर का, विच इज अगेन सो 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 ब्यूटीफुल एक्चुअली। और वहां आप इनफैक्ट स्विमिंग पूल में आप स्विम भी कर सकते हो आप चाहो, वो उसके लिए भी आपके पास समय दिया जाता है। और उसके अलावा आप जा सकते हो वहां जो बगल में पार्क है, वहां बेसिकली वो जो एवटार काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स है ऊपर, वैसे 18 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो इतना ब्यूटिफुली वेल लिट होता है, मतलब दोज आर बेसिकली एक्चुअली ट्रीज बट वर्टिकल, तो वर्टिकल काइंड ऑफ प्लांटेशन है, बहुत ही प्यारा लगता है। इनफैक्ट वहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है एवरी डे, और वो फ्री होता है, पर उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको, बट स्टिल आप वो स्ट्रक्चर देख पाओगे जो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको रात में देख के। तो ये सब कुछ आप कवर करते हो बेसिकली सिंगापुर साइड टूर्स में। अब मैं यहाँ मैं एक टिप देना चाहूंगा आपको कि आपको कौन सा टूर चूज करना चाहिए। देखिए, अगर आपको सिंगापुर में एक्चुअली कई कई जगह देखने का शौक है, थोड़ा आपको वॉक करने का भी मन है, थोड़ा खाने पीने का भी मन है, वो सब करने का मन है, और एक्चुअली सिंगापुर काइंड ऑफ अ नक्शल में आप देखना चाहते हो, तो आप लीजिए हेरिटेज टूर। वैसे आपको थोड़ा सा लक्ष्यूरियस वे में जाना है, आराम से जाना है, और यू नो वन ऑफ द टॉप थिंग्स ऑफ सिंगापुर वो देखना है, जैसे द 5-स्टार होटल और सिंगापुर फ्लायर, तब आप ये सिंगापुर साइज टूर लीजिएगा। बट मैं एक्चुअली पर्सनली अगर प्रेफर करूँ तो मैं करूँगा सिंगापुर हेरिटेज टूर, क्योंकि आप उस टूर में एक्चुअली आप बाकायदा पूरा सिंगापुर देख पा रहे हो, उसका हर एक इलाका देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो। ठीक है, पूरा समय के साथ तो आप नहीं देख पाओगे, पर एटलीस्ट आप देख लोगे सब कुछ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक्चुअली आप सिंगापुर घूमे हैं उसमें। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या बात है, ये फ्री टूर्स कैसे सिंगापुर दे रहे हैं, कैसे उनको पुसा रहा है, और ये क्या सब एयरलाइंस के लिए वैलिड है? नहीं, ऐसा बात नहीं कि आप एयरपोर्ट पहुंचो और आपको टूर आपको करने को मिल जाएगा। इसमें बस एक शर्त है कि 5.5 घंटे का आपका हॉल्ट होना चाहिए सिंगापुर में। मतलब कि आप सपोज और कोई कंट्री जा रहे हैं और सिंगापुर में अगर 5.5 घंटे का आपका हॉल्ट रहता है, वहां रुकते हो, तो आप ये टूर ऑर्गेनाइज आप टूर आपको मिल सकता है, और इसमें आपको 1 घंटा पहले रजिस्टर करना पड़ेगा इस टूर के लिए, तभी आप इस टूर में आप जा पाओगे। तो आप यू नो इसमें क्या है ना कि आपको वैसे एयरलाइन लीजिए, एक्चुअली आप कोई भी एयरलाइंस नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसमें इनफैक्ट 3 एयरलाइंस का ही है कंडीशन, सिंगापुर एयरलाइंस, सिल्क एयर और कुछ न्यूजीलैंड की एयरलाइंस है। तो इन 3 एयरलाइंस से आप ट्रैवल करते हो, तो उस तरह से करिएगा कोई भी डेस्टिनेशन जा रहे कि आपका कम से कम 5.5 घंटा से बेसी का हॉल्ट हो, मे बी 7 घंटा 8 घंटा उससे बेसी का, ताकि आप ये टूर्स आराम से कर पाओ, तो ये ध्यान में रखिएगा। और भाई देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अगर सिंगापुर आप घूमते हो पूरा, वो भी फ्री टूर आपका 2.5 घंटे का होता है, तो अब अगर आप खर्च करके करो ना तो अच्छा खासा पैसा लग जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट से सिंगापुर जाने में कम से कम 3,000 रुपये लगते हैं, मतलब 2,500 कम से कम टैक्सी से, 3,000 रुपया अगर आप थोड़ा सा बड़ा SUV लेते हो, तो आना जाना 6,000 रुपये तो ये लग जाए। ऊपर से सिंगापुर में घूमते हैं जो आप इतने एरियाज में आप घूमते हो, उतरते हो, देखते हो, सब करते हो, तो अगर आप वो एक्चुअली आप वहाँ का सिटी साइड टूर भी आप करते हो ना, तो उसका नदा करीबन 2 से 2,500 रुपये लग जाता है पर पर्सन, तो नदा 5,000 रुपये अगर आप 2 जन है, तो एक्चुअली देखा जाए तो एक कपल का बेसिकली अराउंड 10-12 हज़ार रुपया का ये खर्चा है, तो आपका पूरा सेफ हो गया सिंगापुर घूमने का, अगर आप इस तरह से जाते हो, तो बहुत ही सही है, यूज करना चाहिए, फैमिली 4 जन का तो और भी सेव हो गया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस में और पोस्ट करूँ, तो इससे लाइक और कमेंट जरूर करेगा, फिर मैं इस टाइप की वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करता रहूंगा। और जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखे और मेरा फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।